और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में नए साल के पहले दिन कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के कुल 383 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। राज्य में कुल एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 1211 तक और गाजियाबाद में सर्वाधिक 85 मामले सामने आए हैं। नोएडा की अगर हम बात करते हैं, दूसरे दिन 61 पॉजिटिव मामले हैं और राजधानी लखनऊ में 58 केस हैं, मेरठ में 48 केस सामने आए हैं, मथुरा में 13, मेरठ और प्रयागराज में 11-11 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। आप देखिए, साल का पहला दिन है और कोरोना विस्फोट किस तरीके से हुआ है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, समझिए। यूपी में नए साल के पहले दिन कोरोना का धमाका हो गया। अलग अलग हिस्सों के आंकड़े आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में कोरोना के 383 नए मरीज मिले हैं। बढ़ती इसी बीच एक बड़ी खबर है, उत्तराखंड पुलिस विभाग में हुए प्रमोशन। एडीजी पीवीके प्रसाद को निदेशक अभियोजन की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर, अमित सिन्हा को एडीजी दूरसंचार सीसीटीएनएस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड पुलिस विभाग में प्रमोशन हुए हैं, पूरा देखिए डेटा। एडीजी पीवीके प्रसाद को निदेशक अभियोजन बनाया गया है। इसके अलावा कौन कौन से बड़े नाम है वो भी लगातार आपको हम बता रहे हैं। अमित सिन्हा को एडीजी दूरसंचार सीसीटीएनएस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा चुनाव से पहले ये प्रमोशन, वी मुरुगेशन को एडीजी कानून व्यवस्था साइबर अपराध का जिम्मा सौंपा गया है। ये बड़ी जिम्मेदारियां इन अधिकारियों को मिली है। और देखिए, संजय गुंजाल को एडीजी अभी सूचना और सुरक्षा का चार्ज दिया गया है। डीआईजी से आईजी बने केवल खुराना को आईजी पुलिस आधुनिकीकरण जिसकी जिम्मेदारी दी गई है। विमला गुंजाल को आईजी सीआईडी और पुलिस दूरसंचार की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा निवेदिता कुकरेती को डीआईजी अभी सूचना की जिम्मेदारी दी गई है। पी रेणुका देवी को डीआईजी कानून व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है। तमाम इसमें बड़े अधिकारी हैं, कईयों के काम को बढ़ाया गया है, कईयों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। पी रेणुका देवी को डीआईजी कानून व्यवस्था का जिम्मा दिया गया।